दोस्तों, मस्तिष्क यानी कि माथे का चौड़ा होना बहुत ही शुभ माना जाता है और चौड़े माथे वाले लोगों को भाग्य से संबंधित बहुत ही अच्छे फल दिखाई देते हैं जीवन में। और जिन लोगों का, स्त्री या पुरुष अथवा किसी का भी माथा चौड़ा होता है, सीधा और साफ होता है, उन्हें अनेक प्रकार के और शक्तिशाली फल जीवन में प्राप्त होते हैं भाग्य से संबंधित। तो किस प्रकार के क्या क्या फल उन्हें प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जिन स्त्री या पुरुष का जो माथा होता है, मस्तिष्क होता है, वो यदि चौड़ा हो, साफ सुथरा हो और माथे पर रेखाएं भी हों, लेकिन वो रेखाएं यदि टूटी ना हों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों, एक रेखा, दो रेखा या तीन रेखाएं या इससे अधिक रेखाएं यदि स्पष्ट रूप से दिख रही हों, माथा चौड़ा भी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में यात्राओं के माध्यम से बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में यात्राएं होती रहती है और उन यात्राओं से बहुत सारे ऐसे भाग्यशाली फल उन्हें मिलते रहते हैं। बहुत कुछ अपने जीवन में एक नया कुछ सीखते रहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, दूसरा, झुका हुआ फोरहेड, झुका हुआ माथा नीचे की तरफ जिन लोगों का होता है, वो माथा दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से काफ़ी तेज होते हैं। दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने एक्टिव होने के कारण बहुत सारे जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। अपने हर एक निर्णय से ऐसे व्यक्ति सफलता निश्चित रूप से पा लेते हैं और वेगशील होते हैं, कभी भी एक जगह पर ठहरने वाले नहीं होते हैं, हमेशा पानी की तरह, हवा की तरह बहते रहते हैं और काफ़ी निरंतर सफलताएं अपने जीवन में, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो एक जीवन में सुख सुविधा या फिर ऊंचाइयों को पाने की सफलता हो, वो सभी में वेगशील होते हैं। तीसरा, दोस्तों, जिन लोगों का माथा, फोरहेड चौड़ा हो और ऐसे काफ़ी चौड़ा हो, ऐसे चौड़े माथे वाले लोग बुद्धिमान माने जाते हैं, तेजस्वी माने जाते हैं, अपने जिस भी कार्य को करते हैं उसे पूर्ण करके छोड़ते हैं। लगभग हर एक बात का इन्हें ज्ञान होता है, हर एक बात के बारे में जानते हैं, लोगों की चतुराइयाँ और अपने चतुराइयों से किस प्रकार से जीवन में मुकाम हासिल कर रहे हैं, ये अच्छे प्रकार से जानते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर ये अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। मित्रों, चौथा नंबर, माथा चौड़ा तो है, लेकिन जिन व्यक्तियों का माथा चौड़ा है और साथ में ही लंबे आकार का है, पतले आकार का है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भावुकता को लेकर के काफ़ी भावुक होते हैं, हमदर्द लोगों के होते हैं, दूसरों की पीड़ाओं को बहुत आसानी से समझते हैं और दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करने का सहयोग प्राप्त करते हैं, दूसरों के सुख में साथ देने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन्हें परोपकारी आप कह सकते हैं, परोपकार निरंतर करते रहते हैं, इनकी भावुकता इनकी पहचान होती है और इसी भावुकता के कारण ये समाज में, देश दुनिया में बहुत एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, दूसरों को पूरी तरीके से हेल्प करने वाले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। तो
तो कुल मिला करके जिन लोगों का स्त्री अथवा पुरुष का माथा जिनका संकीर्ण नहीं होता है, काफ़ी फोरहेड जो है वो चौड़ा लंबा और स्पष्ट रूप से उसमें रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। और जिन लोगों का चौड़ा माथा होता है वो भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते हैं। अपने जीवन में भाग्य के बल पर, अपने कर्म के बल पर काफ़ी सारी सफलताएं और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो फोरहेड चौड़ा होना चाहिए जिसके कारण आपको भाग्यहीनता नहीं देखनी पड़ती, अथवा भाग्यशाली ही ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं।